रोहित अब आगे पतंग उड़ाने वाले, अब उड़ेगी पतंग, अब उड़ेगी पतंग, दो घंटे से तो नहीं उड़ी, अब हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं अंजू रावत अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, 2024 है और इसी के साथ हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आज का दिन सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हफ्तों दिनों से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, स्कूलों में भी और घरों में भी, तो बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो चलिए, आज बच्चे कुछ खास ही काम कर रहे होंगे छुट्टी वाले दिन, तो चलिए चलते हैं। बहुत सी स्कूलों में आज के दिन छुट्टी होती है और कहीं कहीं फंक्शन होता है, तो चलिए देखते हैं आज बच्चों के पास आज के दिन तो यही काम होगा और सारे लोग पतंग उड़ा रहे होंगे, तो छत का अलग ही व्यू होगा। तो थोड़ी देर के बाद हम भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं पहले अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं आपको छत पे ले चलूँगी और वहाँ से दिखाऊँगी कि उत्तम नगर का व्यू। आज सब लोग छत में पतंगे उड़ा रहे होंगे और अलग ही व्यू नज़र आएगा। तो चलिए थोड़ा पहले काम निपटा लेते हैं। तो गाइज, आज है गणतंत्र दिवस और खुशी का दिन है, छुट्टी वाले दिन मना रहे हैं, छुट्टी वाले दिन बना रहे हैं पकौड़ियाँ। और तो क्यों ना पहले पित्रोगले निकाला जाए, तो बाद में मिक्स वाले बनाएंगे। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी इंजॉय कीजिए, फिर पतंग उड़ाने जाएंगे। तो बस, हाँ बस ये बन गए हैं, ये पित्रोगले बन गए हैं इधर, और ये बन गए हैं प्याज के हस्बैंड जी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब छत पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ से उत्तम नगर के नज़ारे। सोए हुए हो सब के सब, छुट्टी का दिन है। तो गाइस, जैसे ही मैं ऊपर पहुँची तो नीचे फ्लोर वाले आंटी की बेटी हैं ये, और उनका छोटा बेबी है और हस्बैंड भी आए हुए थे, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। होता है ना ऐसे कि हमारे वीडियोस मत लेना, या कुछ हम घर के किस व्यवस्था में रहते हैं या किस तरीके से रहते हैं, तो उसी हिसाब से लोग हर कोई मना कर देते हैं कि हमारी वीडियो मत बनाओ, तो इसी वजह से मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तो मौसम कुछ इस तरह हो रहा है, कभी बादल से लग रहे हैं और कभी उमस सी भी हो रही है और कभी धूप भी निकल थी बीच बीच में। तो अब तो बिल्कुल बादल लग चुके हैं और ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आएगी। तो यहाँ पर आवाज़ मैंने म्यूट इसलिए करी है कि आपस में ही बातें कर रहे थे अपनी चाची से, चाची या सास लगी ज्योति की, और ये ज्योति हैं और ज्योति के हस्बैंड के चाची हैं वो, और उनसे बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने उनकी आवाज़ म्यूट कर दी थी यहाँ पर। तो इसी वजह से तो ये हमारे पड़ोसी भी हुए, सेम इनका फ्लोर और हमारा जस्ट सामने ही है। और ये लोग ना जितने भी लेडीज़ हैं यहाँ पर सब सर्विस करने जाती हैं, और एक हाउसवाइफ मैं ही हूँ, बाकी तो सभी जॉब पे लगी हैं। और आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए मेरे कैमरे में कैप्चर हो गई हैं, तो इसी वजह से नज़र आ गई हैं। तो ये लोग नज़र नहीं आते, 10 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, तो बस यही रूटीन होता है रोज़ का। तो चलिए अब बने रहेंगे व्लॉग में फ्रेंड्स।
ना उसकी सिस्टर, वो रहती है बॉम्बे। मौसम कुछ इस तरह हो रहा है, पतंगे उड़ रही हैं सारी, आज सब जगह पतंगे उड़ रही हैं। रोहित के लिए तेज हवा चाहिए, तेज तब उड़ेगी पतंग उसकी। रोहित को चाहिए तेज हवा, तब 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 उड़ाएगा वो पतंग अपनी तेज में। गरम हो रहा, गरम वो चले गए ऊपर। अब दिख रहा है, अब दिखाई दे रहा है। सही अच्छा था ना, पहले हम भी छत पे सारे चढ़े आते थे, सारे सारे पहले चाचा मैं कमल प्रिंस वो क्या नाम है भानु चित्रा वो भी आते थे, राहुल ये बढ़ाते थे सारे, सौरभ विवेक कई बार आता था, यश आ जाता था, वहाँ रहते ताई के छत पे चढ़ जाते थे। एक तो हवा भी नहीं चल रही ना, बिल्कुल नहीं चल रही है। रोहित ऐसा नहीं बोल रहा कि हवा नहीं चल रही, लेकिन कह रहा है शौक खत्म हो गए, अभी हवा चलेगी ना तो शौक आ जाएगा। कोई बात नहीं, घर में ऐसे तो होते हैं। तो अपनी चाची के साथ बात कर रहे ना रोहित, रोहित को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। आप बोलो अच्छा। सही बात है जी गाइस, बिल्कुल इनका इंस्टीट्यूट है और ये 10th से लेके 12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आप चाहें तो मेरी वीडियो के माध्यम से इनसे संपर्क कर सकते हैं, फ्रॉम दिल्ली उत्तम नगर ईस्ट। आजा पापा, तभी बुला रहा है वो, तभी बुला रहा है वो, आओ बोल मेरे पीछे। ये देखो बिल्कुल हवा बंद हो रखी है, पतंग तो फिर भी लोग उड़ा ही रहे हैं जिनकी उड़ी हुई है पहले की। हेलो आ रहा है, ये देखो उड़ तो रही है कुछ कुछ पतंग उधर। देखो रोहित उड़ गई पतंग, उड़ गई। देख अब आने नहीं चलेंगे, ज्योति पतंग लेकर आ और लेके आए, ये लेके उसकी पतंग उड़ रही है अभी, उसकी भी नहीं उड़ी है उतनी, देखो ये देख आ गई वापस। रोहित का जोश आ गया उस बच्चे को देखकर, तो पतंग ले आया अंदर से, अब नहीं चल रही है बिल्कुल नहीं। हाँ ऐसे करते थे पहले चार्ज, है ना, चार्ज करते थे बालों में ऐसे ऐसे रगड़ के, चार्ज नहीं करते थे ये किसका होता है। अच्छा उड़ तो रही है पतंगे, काफी उड़ रही है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, वो देखिए मौसम भी कैसे हो रहा है, 5-6 बज गए हैं, हम नीचे जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं सच में ज्योति, अरे नहीं पता क्या, ये थर्ड फ्लोर में हो रही है बेल, अच्छी लग रही है ना।
अब चल रही है हवा, ये देखिए पतंग से उसे झंडे से पता चल रहा है, अब हवा चल रही है। रोहित अब आगे पतंग उड़ाने वाले, अब उड़ेगी पतंग, अब उड़ेगी पतंग, हवा चलने लग गई ना। रोहित के बचपन का साथी आ गया तो अब पतंग उड़ेगी। मामा आ गए ना, नीचे जा रही हूँ। चल रोहित बंद कर लेना फिर। थोड़ा सा देख बारिश होने लग गई है और अब देखना अंकल ने पौधे रख दिए ना, तो यहाँ पे गिरी गिरी हो गई है थोड़ी सी। नहीं तो इधर इधर इनका तिरपाल रहता है और इधर देखो ग्रीनरी है तो अच्छा लग रहा है।